चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूं, और जितनी भी मेरी पब्लिक मुझे मोहब्बत देती है उसको दिल से स्वागत और ढेर सारा प्यार आप सबको। दबंग सरकार की बात करें, दबंग सरकार एक ऐसी सिनेमा है कि मेरा अलग रूप है, मेरी अलग एक पहचान है दबंग सरकार में। मैं उस सिनेमा को जिया हूँ और 6 महीने से वो स्क्रिप्ट मेरे पास थी, तो मैं इतना घुल चुका था उसमें, इतना मैच हो चुका था कि मुझे कभी डायरेक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भैया आपको ये करना है वो करना है। मैं अपने मन से करता गया और ये ओके करते गए। हम लोगों ने, सिनेमा महंगी है वो, थोड़ा करीब हम 35 से 36 दिन शूट किए थे वो, और काफ़ी कॉस्टली वो सिनेमा है क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने कभी चीज़ों को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो एक अच्छा संकेत है मेरे लिए और मेरे करियर के लिए, ये अच्छी साबित होगी सिनेमा। कितना अलग दबंगई करने वाले हैं क्योंकि उसमें आपका लुक काफ़ी चेंज है, वेट कम है। देखो भाई, लुक में करेक्टर चेंज है, मेरे नेचर में कोई चेंजिंग नहीं है। मैं दबंग नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ, गरीब का बच्चा हूँ, आज भी जीना चाहता हूँ गरीबी में। और मेरे पास देखो, अगर गरीबी नहीं होती तो हाफ पैंट देखो नीचे करो देख रहे हो, फैशन है फैशन आज... कैसे हो सकता है, मेरे पास सब पॉइंट मेरा भींज गया है सर, पॉइंट फटा हुआ भी फैशन है। फटा नहीं है, हाई फैशन हो सकता है। हाई देख लो, काट दिया मैं इधर से, पूरा फट गया था, काट दिया मैं, थोड़ा सा गरीबी आ गया इधर, टॉर्चर ज़्यादा हो गया हूँ ना, तो कौन पैंट कहाँ पहनना है समझ में नहीं आ रहा है अब इसके लिए भी प्रॉब्लम होगा यार, अब मैं क्या बोलूँ, मेरी जीवन ही ऐसी है। दबंग सरकार में मैं जो हूँ उसमें भी देखो बहुत फटा फटा पहना है, जो मैं गरीबी का रोल कर रहा हूँ तो उसमें अब कुर्ता दे दिए जोकर टाइप का, लेकिन वो मेरा रोल था, वो मेरा सीन था, वो मेरी किरदार थी, तो मैंने उसको पूरा किया। कोशिश करता हूँ कि मैं अपने डायरेक्टर के हिसाब से ही हर चीज़ करूँ और मैं करता भी हूँ। अगर मैं इनके लिए बुरा किया होता और गंदा किया होता, इनके कॉन्सेप्ट में नहीं होता, तो शायद ये पहला डायरेक्टर नहीं है मेरे जीवन के, हो सकता है जे 40वां डायरेक्टर हैं। इन्होंने दबंग सरकार रिलीज भी नहीं किया और दूसरी सिनेमा अनाउंस कर दी, उसका क्या रीज़न हो सकता है? या तो मैं इनके कहीं ना कहीं एक रिश्ता है, रिश्ते के साथ साथ मैंने इनके लिए अच्छा काम किया, इनको कभी टॉर्चर नहीं किया तभी ऐसा हुआ, नहीं तो कट्टू ये दूसरे कहीं ना कहीं, मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं जो एक्टर हैं, सबके पास जाते ये और सबके पास, लेकिन ये आए और डायरेक्ट खेसारी के पास, और खेसारी के पास से कहीं गए तक नहीं, किसी को सोचा तक नहीं, तो कहीं ना कहीं इनके सोच में हूँ मैं। काम के मामले में तो मैं प्रूफ हूँ इस बात का कि बहुत ही मैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं और काम में कोई इंटरफेयर नहीं है, और मैंने तो करीब 36 दिन का काम किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के तहत ये बोल रहा हूँ कि बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, 24 घंटे 48 घंटे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस कैरेक्टर की जो मैंने बात करी है वो बहुत अलग कैरेक्टर है दबंग सरकार का, और इन्होंने भैया ने हेयर कट भी कराया, पहली बार इन्होंने हेयर कट किया, बहुत बड़ी बात है ये। और जो लुक दिया, बॉडी जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई स्टार्ट हम इस बात से ही किए हैं कि भैया इसमें मुझे बॉडी चाहिए और हेयर कट चाहिए, तो दोनों हमें शूट पे मिला और बहुत ईमानदारी के साथ काम किया। मेरी पूरी टीम जो है वो टेक्निकल है, नई है, और उसको बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हम पहली बार इनके साथ काम कर रहे हैं। तो जो भोजपुरी की बात की, जैसे कि लखनऊ या यूपी जो है आधा अवधि भाषा है और भैया पूरा भोजपुरी से है, तो आपको इनका कितना सहयोग, कितना सलाह मिलता है? 100% पूरा सहयोग मिला, और जो हमने चीज़ें सोची थी राइटर के साथ मिलके, हम लोगों ने 100% सोची थी, और जब सेट पे पहुंचते थे तो कुछ ऐसी चीज़ें होती थी या बातों से चीज़ें निकलती थी या इनके आइडिया निकलते, जो वो 100 की जगह पे 200% हमको रिजल्ट मिलता था। कई ऐसे डायलॉग हैं जो हम लोगों के बनाए हुए नहीं है सेट पे, क्योंकि ये कैरेक्टर में इतना रम गए थे और परमानेंट उसी कैरेक्टर में रहते थे, तो कैरेक्टर में जब काम करते करते आदमी रम जाता है तो अपने आप वो चीज़ें निकलती हैं, तो जो डायलॉग निकल रहे थे या जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही थी इनकी तरफ से, वो हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव साबित हुई हैं। तो दबंग सरकार के बाद अगला क्या धमाका? हमारा काम हो गया, हम नहीं डबिंग करें बता दी, तो बस अब दबंग सरकार के बाद नेक्स्ट फिल्म है बबुआ बवाली, उसका अनाउंसमेंट हम लोग जल्द ही करेंगे। आप जब सिवान गए फिल्म का प्रमोशन करने के लिए, तो लोगों ने ये कहा कि खेसारी जी ने जो है वो आरजेडी ज्वाइन कर लिया, 40-40 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, तो अच्छा मेरे पास खुद की 15 गाड़ियाँ हैं, ठीक है बता देता हूँ, मेरी अपनी खरीदी हुई नहीं है, मेरे जैसे आप मेरे दोस्त हैं तो आप मुझे मोहब्बत करते हैं, तो आपकी भी गाड़ी मेरी ही हुई। मेरे पास 4 साइकिल है घर पर, जो मेरे ससुराल में से 1 मिली थी, 1 मेरे भैया के ससुरारी से मिला था, और 2 और भाई के ससुरारी से 1 साइकिल मिला था, तो 4 साइकिल अभी तक है। मैं तो खुद ही दूसरे के गाड़ी से घूमता हूँ, तो मैं 40 गाड़ी, हाँ
जो मेरे अपने हैं, तो जब मैं पटना पहुंचा तो मैं लाइव आ गया कि मैं आ गया हूं पटना और मैं जा रहा हूं सिवान। अचानक से जब मैं पटना से निकला तो देखा कि मेरे पीछे 40-45 गाड़ियां। मैं सबको बोला कि भाई ये कहाँ, तो चलिए ना भैया, बहुत दिन बाद आपसे, आपने बताया है कि हम पटना आए हैं। तो पटना से अब जब तक मैं रहा बिहार में, जहाँ भी गया सब 40-40 गाड़ियाँ, सब सबके सब हर एरिया में जो मेरे अपने चाहने वाले हैं, अब उनको मैं कैसे मना कर दूँ। अब क्या बोले, सब उसी में सब आ गए भाई, मेरा दोस्त सब था तो आ गया, तो हम भी अब चल दिए। और चल दिए तो लोगों को दूसरा ही कुछ लग गया। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ भाई, मेरी वो औकात नहीं है, मैं पब्लिक के पैसे से चलता हूँ। और दबंग सरकार में भी आपको पता चल जाएगा, अभी मेरी एक सिनेमा और रिलीज हो रही है कल, जिसका नाम है दुल्हन गंगा पार के, जो कि रिलीज हो रही है, जिसमें मेरी खुद की बेटी काम की है, जिसने मुझे, जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे बहुत बड़ा योगदान मिला उसका, वो मेरे लिए बहुत लकी है। तो प्लीज़ आप उसको जिस तरह खेसारी को प्यार देते हैं, उसी तरह उसको भी प्यार दीजिए कल जाके सिनेमाघर में, और ढेर सारा दुलार दीजिए मेरी बेटी को। तो दबंग सरकार बहुत जल्दी आप सबके बीच में, क्योंकि आज मेरा डबिंग ख़त्म होने वाला है, तो आएगी आप सबके, और ढेर सारा प्यार दीजिए दबंग सरकार को, और ढेर सारा प्यार। कल आपने एक शो किया देवघर में जहाँ लाखों लोग आए थे, तो किस तरह का प्यार मिला है, कुछ बताएंगे? बहुत ज़्यादा प्यार मिला वहाँ प्यार तो इतना मिला जो कहिए ना, तो हम तो स्टेज तक गईबे नहीं किए प्यार के मामला में। समस्या ये था कि देवघर में जो शो था वहाँ लाखों पब्लिक नहीं थी, कम से कम 2.5-3 लाख पब्लिक थी। तो वहाँ पे चैनल का शो था, बी गंगा का शो था, तो हम गए थे उसी के लिए। लेकिन वो वहाँ पे हुआ क्या, जे हमारी एंट्री लेट में हुई, हमारा और मनोज भैया का एंट्री लेट, एक्चुअली हम दोनों, हम और मनोज भैया थी मेकअप रूम में थे, बैठे थे, तब तक इधर हंगामा, खेसारी खेसारी सब चिल्लाना शुरू किया और कुर्सी टूटना शुरू हुई। तो मुझे फिर अभी भैया ने और पंकज तिवारी जी ने बोला कि प्लीज़ आप जाके शांत करिए। तो मैं माइक लेकर सबको शांत तो किया, लेकिन फिर भी चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी थी, वो चीज़ शांति नहीं हुई। वो लोग बोले कि काम करिए, जब ये शांत हो गए हैं तो फिर हम टोली लगाते हैं, शूट करना है हमें चैनल के लिए। तब फिर टोली लगना शुरू हुआ, तब तक हम जैसे पीछे गए तब तक बवाल बढ़ गया। फिर पंकज जी ने और अभी भैया ने बोला कि आप लोग होटल जाइए, तो हम लोग होटल चले आए। उसके बाद फिर वहाँ प्रशासन बोला कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्थितियाँ बहुत बिगड़ चुकी थी, तो फिर हम नहीं कर पाए शो। और उसके लिए बहुत सारा बवाल के खेसारी ने अश्लील गाना गा दिया, तो उसके लिए मैं देवघर की गरिमा को समझ सकता हूँ। देवघर की, जहाँ जिस धरती ने मुझे जन्म दिया, जिस धरती ने मुझे इतना सम्मान दिया, वहीं से मैं बहुत बड़ा, मेरी कैसेट हिट हुई, और मैं उस धरती को, गरिमा को कैसे गलत कर सकता हूँ। तो मैं स्टेज तक गया सिर्फ समझाने के लिए, उसके बावजूद भी एक नाचना शुरू किया और सारा कुछ ढहना शुरू किया, तो फिर भी चीज़ें नहीं सुधरी। और कुछ लोग उसको मीडिया में उछाल रहे हैं कि खेसारी गंदा गाना गाकर, और वहाँ पे मैं चैनल का शो करने गया था, और चैनल के साथ साथ मैं उस नगरी में गया था जिस नगरी में पूरी दुनिया का आस्था बैठा हुआ है, और उस नगरी को दुनिया ने गलत, कुछ मीडिया वाले भाई ने कुछ इंटरव्यू अलग अलग करके और उसको गलत ठहरा रहे हैं मेरे नाम पे। वहाँ बहुत सारे लोग थे लेकिन नाम मेरा ही उछला जा रहा है। तो मुझे बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे भी जितने श्रोतागढ़ हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़, मैं उतना भी गलत नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके ही घर से आया हुआ हूँ, उतना भी गलत नहीं हूँ, मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, बस आपसे मेरी प्यार है, मोहब्बत है, आप गार्जियन है मेरे, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि हर आदमी मेरे पीछे लग गया है, जो खेसारी को कैसे बदनाम कर दिया जाए, कैसे, अगर इस दुनिया को लगता है कि मुझे काम नहीं करना चाहिए, तो आप लोग खुल कर बता दीजिएगा हमारी पब्लिक कि खेसारी तुम इस दुनिया के काबिल नहीं हो, मैं अपने घर फिर चला जाऊंगा, फिर से जाकर, ठीक है एक आदत है ना लिट्टी चोखा बेचने की, वो भी बेचूंगा तो स्टाइल से ही बेचूंगा, अच्छा दुकान करके बैठ जाऊंगा, मैं भैंस तबेला खोल दूंगा, क्या करूंगा, जब लोगों के दिल में मैं चुभ रहा हूं, यहां के इंडस्ट्री के कुछ लोगों के दिल में, ये सब इन्हीं लोगों का काम है जो कुछ मीडिया को बुलाकर और मेरे पीछे षड्यंत्र करके और आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप सब इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, मेरा पोस्टर लगा देते हैं, गंदा गाना गा देते हैं, उसमें भी मुझे दोषी ठहरा देते हैं कि खेसारी ने गलत किया है। मैं किसको किसको मना करने जाऊंगा बताइए, मैं किसको किसको, जो जो गाते हैं उनको तो जानता तक नहीं मैं। मैं अपना काम करूं कि अब डेली मैं लगा रहा हूं यूट्यूब पे और फेसबुक पे कि हाँ कौन क्या कर रहा है, तो मुझे काम भी तो करना है। रीजन क्या रहा इसका, मतलब आपके पीछे लोग जो पड़े हुए हैं हाथ धो के कुछ गा रहे हैं, ये बताइए कि मोदी जी के पीछे कितने लोग पड़े हैं, सारी नहीं सारे। देखिए होता क्या है कि जब आप आगे होते हैं, जब आप आगे होते हैं ना, तो ये दुनिया को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है,
तो वो प्रॉब्लम वही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा, कोई व्यक्तिगत किसी से कुछ बिगड़ा नहीं है भाई, लेकिन कुछ लोग उसको व्यक्तिगत लेकर और मेरे ऊपर षड्यंत्र करते हैं। बाकी कोई व्यक्तिगत मेरा आज भी आम पब्लिक कोई बोल दे कि खेसारी ने मुझे उल्टा बोल दिया, मुझे गाली दे दिया, मुझे ये कर दिया, मैं लोगों को ही क्यों चुभता हूँ? तो आज मोदी जी के बारे में कितनी दुनिया बोलती है, ये चीज़ें बोलती है, वो चीज़ें बोलती है, तो जब आप आगे होंगे तो ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सरकार की बात जो नई तारीखें एंट्री कर रही हैं लखनऊ की ही हैं और सिनेमा जगत में एंट्री कर रही हैं छोटे पर्दे, तो उनका एक अलग नाम है, क्या कहना चाहिए? हाँ, आकांक्षा अवस्थी बहुत अच्छे, वो बड़ी मैं चुलबुली हैं, बड़ी हम लोग जितना दिल रहे, आकांक्षा हो और चाहे दीपिका हो, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है दबंग सरकार के लिए, तो मेरी शुभकामना है उन दोनों के लिए कि आगे चल के अपनी नाम को इतना बड़ा करें कि शायद हमें भी सुन के और देख के फख्र महसूस हो कि हमारे पहली सिनेमा की हीरोइन थी ये लोग और अच्छी थी, और आज इन लोगों ने अपना मुकाम खुद ही तय किया और खुद ही बनाया। आने वाली फिल्मों के बारे में बात, आने वाली फिल्म मेरी नागदेव है, संघर्ष 24 को रिलीज़ हो रही है, दबंग सरकार है, बलमजी लव यू है, तो ये सारी लगातार फिल्में मेरी जो रिलीज पे हैं और आप सबको आगे भी बहुत सारी चीज़ें मिली। लंबे अरसे बाद अक्षरा जी फिर एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हैं आपके साथ, अभी नहीं कहा जा सकता, अभी कहानी बनेगी, अभी बहुत सारी चीज़ें होगा, तो क्या होगा क्या नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें अलग होती है, मैं भी हो सकता है जब बवाली में मैं ना रहूं, हो सकता है अक्षरा जी ना रहीं, वो तो डायरेक्टर के ऊपर है, डायरेक्टर जी क्या डिसाइड करते हैं, मैं उसमें कोई चीज़ें नहीं करता क्योंकि मैं हीरो हूँ, इतना मैं जानता हूँ, बाकी कौन क्या है इस पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। अक्षरा जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम मेरे साथ किया है, आगे भी हम दोनों करेंगे, और एक गाना भी किया उन्होंने मेरे लिए बलमजी लव यू में, तो काफ़ी दिन के बाद उनके साथ मेरा काम होगा और हुआ है, तो शायद पब्लिक को बहुत पसंद आएगा और पब्लिक अपना प्यार देगा। सावन का महीना है, ढेर सारी कामना मेरे तरफ से बाबा धाम के लिए, सारे लोगों के लिए कि आप जाइए, जल चढ़ाइए और बाबा का ऐसे ही अद्भुत आशीर्वाद पाते रहिए और अपने जीवन को खुशमय करते रहिए। दुल्हन बाबा का गाना जो आपका रिसेंटली हिट हुआ है कि हमर सैया हो भुलाई बड़े मेला में, मोर सैया हो भुलाइल बड़े मेला में, ये गाना बहुत चल रहा है, जब मैं देवघर गया तो बहुत सारा सुनने को मिला, तो ढेर सारी शुभकामना और 15 अगस्त को ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि ऐसे ही अपने जीवन को चलाइए और खुशमय रहिए। सबको 8 दिसंबर निकल रहे हैं यहाँ से, मेरी थादी में दलूल दलूल आना। दबंग सरकार की एक अलग सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा दर्शकों को देखने को मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सिनेमा बहुत अच्छा बना है, अभी मैंने डबिंग आधी की है, आधी बची हुई है, और जो हमेशा कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से आवाज़ उठती थी अश्लीलता वाली, जो भोजपुरी की मासूमियत और सार्थकता कहीं अपनी खो गई थी, जो हर एक क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की होती है, चाहे वो पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा लगता था लोगों को कि हम लोग भटक गए, तो शायद कहीं ना कहीं ये एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि करारा जवाब है, लेकिन हाँ उस दिशा में एक हमारा कदम है और ये मजबूत अंगद वाला पैर है जहाँ पे आपको एक स्वस्थ कहानी, अच्छा फिल्मांकन, कलाकारों द्वारा उच्च कोटि का अभिनय, निर्देशक द्वारा उसकी जो परिकल्पना है, लेखक की लेखनी, सब आपको ऐसा मिलेगा कि आप, अब आप अगर उसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे तो कमियां निकाल लेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत कुछ अच्छा कर दिया है, लेकिन हाँ एक अच्छे की तरफ कदम बढ़ाया है, और हम ये बिल्कुल चाहेंगे अब तक जो प्यार और आशीर्वाद दिया है उस प्यार और आशीर्वाद को बनाए रखें, सिनेमा जब रिलीज़ हो उसको स्वस्थ मन से, स्वस्थ दिमाग से आशीर्वाद दें। एक बहुत अच्छा मनोरंजन वाला सिनेमा है जिसको हम लोगों ने बहुत सच्ची मेहनत और लगन से किया, वैसे तो हर सिनेमा हम लोग सच्ची मेहनत और लगन से करते हैं, दर्शकों का प्रतिसाद भी मिलता है, कभी वो अच्छा होता है कभी बुरा होता है, लेकिन वो आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और अभी तक सिनेमा के जितने भी टीज़र आए हैं उन सारे टीज़रों और झलक को लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है, तो उम्मीद तो है कि दबंग सरकार कुछ ना कुछ, जैसे हिंदी में दबंग ने और सरकार आई थी बच्चन साहब की, तो ये तो दो है, तो डबल डोज है मनोरंजन का, ये कह सकता हूँ कि डबल डोज है,
केसारी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, आकांक्षा जी, दीपिका जी जो दो नई हीरोइनें हमारी फिल्म से लॉन्च हो रही हैं उनका भी स्वागत है, योगेश मिश्रा जी जो इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर उनका भी स्वागत है, और उनकी एक नई सोच है, मनोज भैया जिन्होंने लिखी है, पुराने हैं लेकिन कुछ तो उन्होंने भी ऐसा किया है कि इस बार वो भी नए रूप में आ रहे हैं। और आपने क्या किया दबंग सरकार में? मैंने क्या किया है मैं ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ एक ऐसा है जो अभी तक नहीं किया था, मतलब संजय भैया ने भी कुछ ऐसा किया है जो शायद हर कलाकार अपने अंदर कुछ नया खोजता है, तो तकरीबन केसारी जी से लेके इस फिल्म का जो भी एक कलाकार है सबने कुछ ना कुछ अपने अंदर नया खोजा है, और उस खोजने में लेखक की लेखनी रही है तो निर्देशक की निर्देशन रहा है कि हमको नया रास्ता बताया है, हमको कुछ अच्छी लाइनें मिली हैं जो शायद आगे जाके हम कहीं जाएंगे तो हमारे लिए भी वो एक आइडियल हो जाएंगे और हमसे कहा जाएगा वो डायलॉग बोल के सुनाइए। धन्यवाद जी। तो हम आप पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आज जो हमारी सोच है उसको अगर आप सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसको जो भी पब्लिसिटी मिल रही है या लोगों तक पहुंच रहा है उसमें आप सब लोगों का बहुत बहुत सहयोग है, तो मैं आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और रही बात दबंग सरकार की, तो डबिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मुझे लगता है अगस्त में इसका ट्रेलर आ जाएगा और सितंबर में कोशिश करेंगे इसको रिलीज़ करने की जी। तो इसमें कुछ क्या नया एक्सपेरिमेंट आपने किया, जैसे दो हीरोइन नए हैं तो लखनऊ के वादियों में शूटिंग हुआ है, लखनऊ की खूबसूरती को आपने दिखाया है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें दर्शकों को नया देखने हैं? इसमें इस स्टोरी से लेके एक्शन से लेके और जो एक कैरेक्टराइजेशन होता है एक्टर्स का वो सारी चीज़ें नई हैं और एक प्रैक्टिकल किया गया, एक सधा हुआ प्रैक्टिकल किया गया, ऐसा भी प्रैक्टिकल नहीं है कि ज़बरदस्ती का कोई प्रैक्टिकल किया गया है, और एक रिसर्च के बाद करीब मेरी एक साल की मेहनत है, हमारी और मनोज जी की मेहनत है ये जो अब आप सब लोगों के सामने आने वाली है, तो एक प्रैक्टिकल किया गया, सधा हुआ प्रैक्टिकल किया गया, और मेरे ख्याल से जो हम सब लोगों की डेढ़ साल की ये मेहनत है वो सारी की सारी आप सब लोगों के सामने जल्दी आने वाली है और अच्छा रिजल्ट आप सब लोगों को मिलेगा। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छी चीज़ देखने की कोशिश करिए कि हमें अच्छी चीज़ देखना है, तो जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो हम सब लोगों का प्रोडक्शन शुरू होगा, अगर आप लोगों की डिमांड नहीं होगी तो हम सब लोग उस प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे। तो आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि आप सब लोग अच्छा देखने की डिमांड करना शुरू करें कि मुझे अच्छा देखना है, ख़राब देखना ही नहीं। तो जब ख़राब नहीं देखेंगे तो ख़राब चीज़ें अश्लील नहीं देखेंगे तो उसकी व्यूअरशिप कम होंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वरना हम सब लोग तो दुकानदार हैं, सारे प्रोडक्ट रखते हैं, आपको जैसा जिसकी डिमांड बढ़ेगी वही, एक मैनेजमेंट में सिखाया गया था कि प्रोडक्शन वैल्यू तब बढ़ती है जब डिमांड बढ़ती है, तो आप सब लोग अच्छी चीज़ों की डिमांड बढ़ाइए और हमारे जैसे सारे जितने भी यंग लोग हैं, सारे लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, वो आपके सामने अच्छा प्रोडक्ट लेके आएंगे। फिल्म कब तक रिलीज होगी? फिल्म सितंबर में पैन इंडिया में रिलीज़ होगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे लेखक और निर्देशक दोनों हैं, आप लोगों के माध्यम से दर्शकों से अपील करता हूँ कि फिल्म को बहुत सफल बना दिए ताकि दबंग सरकार 2 2019 में होली तक हम आपको दिखा दें। तो वाली भी लेके आ रहे हैं, बाबा वाली फिल्म हमारी आ रही है जल्दी, आप सब लोगों के सामने आएगी जल्दी, हम लोग उसकी शूट करेंगे, हीरो उसमें खेसारी जी हैं, अभी हीरोइन का कुछ हम लोग डिस्कशन चल रहा है और कुछ एक नाम आए हैं आप सब लोगों को पता भी है, और उसके प्रोड्यूसर हैं अमित श्रीवास्तव जी और विवेक जी, और मैं ही उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्टोरी राइटर बाबू अब वाली के मनोज जी ही हैं, और वो भी एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है और उसको भी हम लोग ऐसी सोच रख रहे हैं कि ऐसा ही कुछ प्रेजेंट करें कि इसकी सीरीज़ बनती चली जाए। तो हाँ, मैं एक्शन डायरेक्टर हूँ, मुझे एक्शन फिल्में बनाने का मतलब एक एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है एक्शन फिल्म बनाने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आप दर्शकों के सामने एक्शन फिल्मों की एक कड़ी लेके आऊँ और अच्छा सिनेमा आप सब लोगों को दूँ जी। मनोज जी, बात कीजिए, जैसे दबंग सरकार में जहाँ दबंगई की बात हो रही है वहाँ बबू बवाली में एक तरफ बवाली है एक तरफ दबंगई है, क्या कहना चाहें आप? दो दो आपके कलम से एक दो दो रस निकल रहे हैं जी। देखिए, जो लेखक होता है उसके पास उसकी लेखनी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि निर्देशक उससे क्या निकलवा पाता है। तो जो दबंग सरकार की हम बात कर रहे हैं तो इस बात में कोई शक नहीं है कि दबंग सरकार हमारे भोजपुरी दर्शकों के लिए एक नया साकार होगा, वो साकार जो हमारे निर्देशक योगेश मिश्रा जी ने एक
सोचा है, उनकी जो सोच है बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी कहानी है। उनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें और भी जो हमारे कलाकार लोग थे, खेसारी जी ने बहुत ही दमदार अभिनय किया है। और चाहे विलेन की बात करें, उसमें संजय भाई हैं, समर्थ भाई हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा अभिनय किया। अनूप जी हैं और हमारी जो दो हीरोइनें नई आ रही हैं, आकांक्षा जी और दीपिका जी। तो कुल मिलाकर ये फिल्म हम लोगों ने एक परफेक्ट मसाला फिल्म बनाई है, जिसमें आपको एक्शन मिलेगा, इमोशन मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर साहब, उनकी पहली भोजपुरी फिल्म है और कह सकते हैं कि वो भोजपुरी से थोड़ा सा अवधि है, तो अवधि भोजपुरी में से, लेकिन पूरी तरह भोजपुरी ना। ऐसे में भोजपुरी को डायरेक्ट करना, भोजपुरी लैंग्वेज के साथ न्याय करना कितना कठिन था उनके लिए और कितना सहयोग रहा आपका उनके लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फिल्में जो बनती हैं, और जैसे कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड सिनेमा में 9 जॉनर होते हैं, यानी 9 रस होते हैं, और इन सबको मिलाकर एक 10वां रस बनता है, तब जाके जिसको कहा जाता है मसाला एंटरटेनमेंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारे जो डायरेक्टर योगेश मिश्रा हैं, वो भी कम्प्लीटली मसाला हैं। वो एक अच्छे एडिटर हैं, वो एक अच्छे कलरिस्ट हैं, वो एक अच्छे एक्टर हैं, वो उन्होंने थिएटर भी किया है। तो उनका जो भी उन सारी चीज़ों का अनुभव रहा है, उनका सारा समावेश उन्होंने इस फिल्म में दिया है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट की बात करें तो इस स्क्रिप्ट में हम लोगों ने सालों साल मेहनत की है, और उन्होंने मुझसे वो चीज़ें निकलवाई हैं जो उनके जहन में थी। तो कुल मिलाकर हम लोगों की ये एक मेहनत है, और बड़ी ही खूबसूरत मेहनत है, जिसमें आप लोगों का सहयोग है। आप लोगों ने इस फिल्म को इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, और जब आप लोगों ने दिया है तो हमारे दर्शक लोग देंगे ही, और भोजपुरी में एक ये अच्छा आगाज़ होगा, एक अच्छी शुरुआत होगी एक अच्छी फिल्म की।